इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, चलो देखते हैं हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम ऑयल पेस्टल कलर ले रहे हैं, ये हमारा डार्क रेड का। इसको हम हमारी OHB शीट पे हम इसको रोल करेंगे और फिर उसको हम सेलो टेप की सहायता से इसको अच्छी तरह इसको कवर करेंगे। इसमें हमने कहीं पर भी स्पेस नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर जैसे हम गर्म करके जो ऑयल पेस्टल कलर इसमें डालेंगे वो बाहर ना निकले, तो इसको हमने अच्छी तरह से इसको हमने रोल करना है ऐसे। फिर इसके ऊपर हमने जो एक इसका होल है उसको हम बंद कर देंगे ताकि जो लिक्विड मटेरियल है वो बाहर ना निकले ऐसे। तो इस तरह से हमारा ये कैप बनके तैयार हो गई। इसके अंदर हम कोकोनट का ऑयल मिलाएंगे ऐसे। हमने सबसे पहले गैस को जलाना है, उसके बाद इसमें हम ऑयल पेस्टल कलर डालेंगे बाउल में, और इसके अंदर थोड़ा सा हमने हमारा कोकोनट का ऑयल भी हम इसके अंदर डालेंगे। जितना हमने इसको सॉफ्ट करना है उतना हम कोकोनट का ऑयल डाल लेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्सिंग करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम जो हमने वो कैप बनाई है उसके अंदर इसको हम डालेंगे। दस मिनट के बाद इसको हम, ये हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसको जो रैपिंग की थी हम इसको अब उतार के देखेंगे कि हमारा जो ऑयल पेस्टल कलर के साथ हमने सॉफ्ट ऑयल पेस्टल बनाने की कोशिश किया किस हद तक हमारा कामयाब होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके बाद इसके हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि ये हमारा किस हद तक हमारा ये कामयाब हो गया है। तो चलिए अभी देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट करके। जैसे हमारा ये हमारा जो सॉफ्ट ऑयल पेस्टल हमने तैयार किया है ये कैसा है और जो हमारा पहले वाला ऑयल पेस्टल था वो कैसा है।